आईपीएल में मोबाइल व्हाट्सएप और पर्चियों से सट्टा लगवाने वाले दो सटोरियों को चकेरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसएसपी कैंट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि चकेरी थाना इलाके के पोखर पूर्व छवैया पूर्वा में कुछ लोग मोबाइल व्हाट्सएप व पर्चियों के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों का सट्टा लगवा रहे हैं, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर रविवार को पुलिस ने पोखरपुर स्थित जितेंद्र आर्या के घर में छापा मारकर मौके से दो सटोरियों को गिरफ्तार कर थाने ले गई, जहां सटोरियों ने बताया कि वह लोग लोगों से व्हाट्सएप व पर्चियों के जरिए पैसा लेकर आईपीएल में सट्टा लगवाते थे। वहीं पुलिस की पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि आईपीएल में लोगों का पैसा लगवाने के लिए पोखरपुर निवासी मोहम्मद आरिफ खान उन्हें 2-5% देता था। मोहम्मद आरिफ के लिए ही दोनों सटोरी आईपीएल में बुक लगवाते थे। एएसपी कैंट ने बताया कि मोहम्मद आरिफ को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है, जल्दी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं पुलिस ने पकड़े गए सटोरियों के पास से 3,45,000 रुपए नगद, 3 एंड्रॉइड फोन व शास्त्र लाइसेंस की फोटोकॉपी और डायरी पर्ची बरामद की है। पुलिस ने दोनों सटोरियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। कल दिनांक 24 अक्टूबर 2020 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आज शनिवार के दिन दो मैच हैं आईपीएल के, काफ़ी बड़े स्तर पर सट्टेबाड़ी का काम चल रहा है। मुखबिर की सूचना पर स्थानीय थाना पुलिस चकेरी द्वारा जाकर दबिश दी गई और वहां पर दो अभियुक्त पकड़े गए, जितेंद्र आर्या पुत्र अखिलेश कुमार, दूसरा अजय कुमार और विकी, तीसरा जो मुलजिम था मोहम्मद आरिफ खान पुत्र हाजी शमीम वो मौके से भाग गया। वहाँ से जो बरामदगी है वो कुल 3,45,000 है, 3,42,000 उनके सट्टे से मिला और 3,000 इनके जामा तलाशी से। इसके अलावा जो पर्चे ये लोग अपने सट्टे के लिए यूज़ करते थे वो मिले। इनके पास जो मोबाइल में एविडेंसेस थे जिसमें चैट करके कितना किस बॉल पे सट्टा लगाना है, किस ओवर में कितना सट्टा लगाना है, उसकी सारी डिटेल्स मिली हैं। ये सारी डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद इनसे पूछताछ भी की गई और जो अभियुक्त फरार हो गया मोहम्मद आरिफ खान, इसकी तलाश की जा रही है और आगे की भी कार्रवाई भी की जा रही है।